हम लोगों का मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, वो अलग हो गया है। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत लाइव की टीम ने आज आपको एक एक्सक्लूसिव खबर दी थी जदयू का जो विकेट गिरा था उसके बारे में, और ये खबर भारत लाइव की टीम ने आपको सबसे पहले दी थी। और क्या कुछ कहा था, क्या कुछ इसके मायने निकले, ये भी भारत लाइव की टीम ने आपको बताई थी। किस तरह से भाजपा, जो कि बिहार में जदयू का ही सहयोगी है, सत्ता में भी है, वो अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जाकर के बीजेपी का विकेट गिरा देती है। विकेट ही नहीं गिराती है, सूफरा साफ करने तक का लगता है कि उन्होंने मन बना लिया था। एक विधायक बच जाते हैं सात में से, छह विधायक को भाजपा जदयू में से हटा करके अपने खेमे में कर लेती है, अपने पार्टी की सदस्यता दिला देती है। इसके बाद इसका जो असर है बिहार के सियासी संग्राम पर भी पड़ा है, बिहार के सियासी मैदान पर भी पड़ा है। बिहार में अगर बात करें तो जदयू कार्यालय जो है आज पूरी तरीके से निराश का रूप में दिखा, पूरी तरीके से मायूस दिखा, कार्यकर्ता मायूस दिखे। बोलने के लिए प्रवक्ताओं के पास कुछ नहीं था, प्रवक्ताओं के मुंह पर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने टेप लगा दिया हो। जदयू के प्रवक्ता जितने भी हैं वो सभी खामोश थे, लेकिन बीजेपी के यत्न, यानी कि देखिए एक बड़ी बात है, बीरचंद पटेल पथ में ही सभी का कार्यालय है, और एक और जहां जदयू के कार्यालय में मायूसी थी, ब्लैक एंड व्हाइट लग रहा था, वहीं दूसरी ओर भाजपा का जो कार्यालय है एकदम रंगीन लग रहा था, उत्सव मनाया जा रहा था। और भाजपा के कार्यालय के जो प्रवक्ता है, भाजपा के प्रवक्ता है बिहार भाजपा के, उन्होंने जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और उनकी जो पार्टी है वो भाजपा की अगर बात करें तो बिहार में सिर्फ सहयोगी है, बिहार से बाहर भाजपा अपनी राजनीतिक भविष्य को देखते हुए किसी के भी साथ गठबंधन करने के लिए स्वतंत्र है। इसके पीछे उन्होंने जदयू के जो है चुनावों की भी वजह बताई, लेकिन इस पूरे मामले में नीतीश कुमार का क्या रुख है ये जानना बेहद जरूरी है। नीतीश कुमार का इसलिए भी क्योंकि वो सिर्फ बिहार में जदयू के खेमे से मुख्यमंत्री ही नहीं है, बल्कि जदयू के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अगर देश भर में जदयू में कहीं भी पतन होता है, अगर जदयू में कहीं भी टूट होती है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार को ही माना जाता है। कहा जाता है कि ताली कप्तान को तो गाली कप्तान को। तो सीधे तौर पर देखिए नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं पहले ये वीडियो। हम लोगों का मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, वो अलग हो गया है। तो वीडियो देख लिया आपने, नीतीश कुमार भले ही मुस्कुरा करके सब कुछ टालते हुए नजर आए, लेकिन इसका राजनीति की मायने कुछ अलग है। नीतीश कुमार बेहद है संजीदे तौर पे जो है राजनीति के लिए माने जाते हैं नीतीश कुमार। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए का जो, और बात करें जदयू का जो आने वाले समय में नेशनल का कमेटी की जो मीटिंग होनी है उस पर सबकी नज़र बन जाएगी। इसलिए भी क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से मुस्कुरा करके टालने की कोशिश किए हैं, लेकिन अंदर जो है घाव बहुत बड़ा है। अब घाव को कैसे भरते हैं नीतीश कुमार, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो बने भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यहां लगातार जारी रहता है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 8167000। धन्यवाद।